सब जानते हो कि फरवरी का महीना हर साल आता है, लेकिन इस साल का जो फरवरी का महीना है उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौसा जा रहे हैं, हमारे असद ओवैसी जी टोंक जा रहे हैं। मैं समझ गया कि चुनावी साल है, तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गायब थे, सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो, चुनाव आए हैं तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। ये तो यहां हम सब लोग जो बैठे हैं आप सबके दुख सुख के साथी हैं, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये चुनावी साल है। हम लोगों ने बहुत मेहनत कर आप सबके आशीर्वाद के साथ राजस्थान में सरकार बनाई थी, और वो लोग जो सिर्फ राज करना जानते हैं दिल्ली में बैठकर, जिन्होंने हमेशा किसानों के विरोध में कानून बनाए हैं, जिन्होंने बहुत मजबूरी में इस महान व्यक्ति को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर किया है, वो लोग जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर सत्ता में हासिल करके बैठे हैं, वो लोग जो 8 साल से देश में राज कर रहे हैं लेकिन महंगाई को रोक नहीं पाए, बेरोजगारी को रोक नहीं पाए, वो लोग जो चुनाव से पहले आपस में झगड़ा कराकर भाई से भाई को लड़ाकर राज करना जानते हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, आप छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुबह आपने ईडी का छापा बढ़वाया है, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन 3 दिन के बाद है छत्तीसगढ़ के अंदर, और आज ईडी की कार्रवाई वहां पर हो रही है, पूरा देश देख रहा है। मौका परस्त लोग जो भावनाओं को बढ़ाकर लोगों का वोट लेकर राज कर रहे हैं, हर मोर्चे पर देश को फेल किया है, 70 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी आज है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या योगदान दिया 8 सालों के अंदर, जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनाई है, लेकिन आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और जब चुनाव आएगा फिर आप वही करोगे, मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यही 2-3 नारे हैं, बाकी खाद का, बीज का, बिजली का, पानी का, रोटी का, नौकरी का, उद्योग का, निवेश का, शिक्षा का, सड़क का, अस्पताल का कोई जिंदा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से पहले भाषण देने आ जाओ, और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 4 साल से आपने मुड़कर नहीं देखा, आपने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की आपने 5 साल पहले वादे किए थे, वो आपको याद नहीं आए। हां, आपको दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, और उनको कौन सा जिला मिला उद्घाटन करने के लिए, दौसा जिला मिला, उनको भी मालूम है कि जहां हमारा गढ़ है हमारी पार्टी का, हम लोगों का, वहीं जाके दस्तक देनी है। आप कितनी मीटिंग कर लो, कितने फीते काट लो, कितनी घोषणाएं कर लो, लेकिन जनता और मतदाता अपने और पराए का फर्क करना जानता है, उसको मालूम है कौन हमारे लिए जीने मरने को तैयार है और कौन वोट लेने के लिए यहां पर है।